क्लास, तो जैसे कि आपको पता है हमारा चैप्टर 6 चल रहा है मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स, ठीक है। सो आज हम उसका नया टॉपिक करेंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम सीखेंगे। सो एलसीएम होता क्या है हमारा, एलसीएम ऑफ टू और मोर नंबर्स इज द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच इज अ मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ द नंबर्स। सो जैसे हम एलसीएम होता है हमारा, हम टू नंबर्स को जब कंपेयर करते हैं उनका जो सबसे छोटा हमारा कॉमन मल्टीपल होता है वो हमारा एलसीएम होता है, ठीक है। हम एग्जांपल के लिए यहाँ पे देखेंगे मल्टीपल्स ऑफ थ्री, थ्री के मल्टीपल्स क्या क्या होते हैं, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 and so on। तो इसके आगे और भी होते हैं। मल्टीपल्स ऑफ फोर आर, फोर के मल्टीपल्स क्या क्या है हमारे पास, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, इस तरीके से और भी होते हैं। सो हमारे इसमें कॉमन मल्टीपल्स क्या आ रहे हैं पहले हम वो देखेंगे, जैसे कि ये 12 और 12 हमारा कॉमन मल्टीपल है, ठीक है। 24 और 24 हमारा कॉमन मल्टीपल है। सो हमारे कॉमन मल्टीपल्स क्या क्या है, एक तो 12 आया और एक 24 आया, ठीक है। सो अब इसमें हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल कैसे निकालेंगे, जो छोटे वाला है। तो छोटा क्या है हमारा, 12। तो 3 and 4 का हमारा एलसीएम क्या हो गया, 12 हो गया। तो इस तरीके से हम इनको मल्टीपल्स को यूज करके अपना एलसीएम निकालते हैं, हर एक दोनों नंबर्स के मल्टीपल्स लिख के कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं, और फिर हमें ये देखना है उसमें से सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा है, वो हमारा एलसीएम होगा। सो जैसे कि हम एलसीएम कर रहे थे, ठीक है। तो एलसीएम जो है हमारे निकालने के टू मेथड्स होते हैं, एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और एक कॉमन डिविजन मेथड। सो हमने एचसीएफ में भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड किया था, और इसमें जो है हमारा कॉमन डिविजन मेथड है। तो सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन से अपना एलसीएम निकालना सीखेंगे, ठीक है। हमारा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एलसीएम ऑफ 30, 40, 36 and 84 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम यहाँ पे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम तीनों नंबर्स को अलग अलग उनका जो है प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। यहाँ पे हमारे पास 40 है, ठीक है। जिस तरीके से हम अपना करते हैं, यहाँ पे हम प्राइम नंबर्स को यूज़ करेंगे इसको डिवाइड करने के लिए, और उसको पूरा जब तक हमारा 1 नहीं आ जाता तब तक हम उसको इस तरीके से डिवाइड करते रहेंगे। 36 वही, जैसे हमें पता है 36 है 2 से डिविजिबल हो जाएगा, तो हम इसको भी इसी तरीके से डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट हमारा 84 है, तो अब यहाँ पे हमारा 21 आया है, तो वो किससे जाएगा, हमारा 3 से जाएगा, 3, 7, 7, 7, 7, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे कौन कौन से किसके प्राइम नंबर्स आए। जैसे 40 हमारा किस किस से आया है, 2, 2, 3 times 2 or 1 times 5, 36, 2 times 2 or 2 times 3, 84, 2 times 2 हमारा और 1 times 3 or 1 times 7। तो अब हम इनका एलसीएम कैसे निकालेंगे, एलसीएम ऑफ 40, 36 and 84 अब हमें देखना है, ठीक है। अब सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे हमारे कौन से ऐसे नंबर्स है जो किसी एक नंबर में मैक्सिमम टाइम आ रहा है। जैसे हमारे पास 2 है, तो 2 इसमें कितने टाइम्स आ रहा है, 3 times, इसमें 2 times, इसमें 2 times, तो हम ये वाला 2 रेफर करेंगे और इसको हम यहाँ पे 3 times ही लिखेंगे, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट नंबर देखते हैं, हमारे पास क्या है, 3 है इसमें, तो 3 इसमें है 2 times, इसमें 1 time, और इसमें तो है ही नहीं, तो मैक्सिमम ये है हमारा, तो ये हमारा 3 आ गया। ऐसे ही यहाँ पे हमारा 5 है, क्या हमारा 5 है, किसी और में भी नहीं है 5, तो ये हमारा 5 इसमें मैक्सिमम है, और कोई नंबर इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है हमारा 7, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे। और अब हमें इसे क्या करना है, हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है भाई। जिस तरीके से हम 2 2 4, 4 2 8 ऐसे करके हम जब सबको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में इन सबको, तो हमारे पास आंसर आएगा 2520। तो इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन तो हमारी नॉर्मल है, मेन जो है वो हमारा ये है कि हम यहाँ से जब नंबर्स उठा रहे हैं तो वो सही तरीके से उठा रहे हैं। जिस नंबर में जो भी चीज़ मैक्सिमम टाइम्स होगी वो हमारी एलसीएम की यहाँ पे आ जाएगी, फिर हम उन सबको इकट्ठे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा सभी नंबर्स का एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। सो
तो अभी हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? जैसे हमने फर्स्ट वाला किया है, फाइंड द एलसीएम ऑफ 24 एंड 36 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इसी मेथड के थ्रू करेंगे, ठीक है? तो अभी हमने यहाँ पे टू नंबर्स दिए, पहले हमने थ्री नंबर्स दिए थे, लेकिन जो प्रोसेस है वो सेम रहेगा। सो हम 24 का निकालेंगे यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन करके, तो इसको डिवाइड करते हुए चले जाएंगे जिसके भी टेबल में वो आ रहा है, ठीक है? और जब तक हमारा एंड में वन नहीं आता तब तक हमें पूरा उसे कंप्लीट करना है। सो ये हमारा 24 का हो गया। ऐसे ही 36 को जब हम प्राइम नंबर जो हमारा 2 है उससे डिवाइड करेंगे, 3, 9, 3, 1, ठीक है? तो अब हमारा ये दोनों का जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन फिनिश हो गया है। अब हम यहाँ पर इसको साइड में लिखेंगे, 3 times 2 and 1 times 3, 2 times 2 and 2 times 3, और हमारा इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा? एलसीएम का प्रोसेस क्या है निकालने का, हमें ये चेक करना है कि जैसे इसमें भी 2 है और इसमें भी 3 है, तो किसमें ज़्यादा टाइम्स आ रहा है? इसमें 2 3 times आ रहा है और 3 1 time है, इसमें 3 2 times आ रहा है, तो ये ज़्यादा है। तो जो हमारे दो ज़्यादा हैं हम उन दोनों वाले नंबर्स को लेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, उन सबको साथ में लिख के मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 9 और ये आया हमारा 72, तो वो हमारा इसका आंसर है। तो जैसे हमने पहले वाला मेथड भी किया था, ये हमारा सेकंड मेथड है, कॉमन डिवीजन मेथड। सो प्राइम फैक्टराइजेशन वाले में हमने 2 numbers and 3 numbers के साथ एलसीएम निकाला है, ठीक है? उसमें प्रोसेस सेम रहेगा, अगर 4 numbers भी आते हैं तो भी उसी तरीके से एलसीएम जो है निकलेगा। अब हम सेकेंड मेथड में देखते हैं, फाइंड द एलसीएम ऑफ 36, 40 and 15 बाय कॉमन डिवीजन मेथड। हम कॉमन डिवीजन मेथड से कैसे निकालेंगे? सो प्राइम फैक्टराइजेशन में भी हम इसी तरीके से करते हैं, हम यहाँ पे 3 numbers तीनों नंबर्स को लिखेंगे और बीच में हमें ध्यान रखना है कि उन नंबर्स के बीच में कॉमा है, ठीक है? अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ऐसा प्राइम नंबर चूज करना है जिससे एटलीस्ट जो हमारे दो नंबर्स हैं वो आराम से डिवाइड हो पाए, ठीक है? तो हम यहाँ सबसे पहले 2 करेंगे, क्योंकि 2 से 36 और 40 दोनों डिवाइड हो जाएंगे। ये 18 आ गया, सिर्फ 36 के नीचे उसका आंसर आएगा। 40 को जब हम डिवाइड करेंगे तो 20 आएगा और उसका आंसर उसके नीचे आएगा। अब क्योंकि हमारा 15 जो है वो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो हम 15 को क्या करेंगे, सेम लिखेंगे, उसको अभी हमें टच नहीं करना है, ठीक है? अब हम फिर से इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, 2 से हमारा 18 और 20 चला जाएगा, तो यहाँ पे 9 आया। जब हमने 20 को किया तो 20 की जगह हमारा 10 हो गया, और 15 अभी भी हमारा डिवाइड नहीं हो रहा, तो हम 15 को 15 ही लिखेंगे, ठीक है? ऐसे ही नेक्स्ट अब मैं क्या करूँगी, इसको 3 से करूँगी, क्योंकि 3 से हमारा 9 भी डिवाइड हो जाएगा और 15 भी। सो यहाँ पे 3 आ गया, 10 हमारा अभी नहीं हो सकता, तो हम 10 को 10 ही रहने देंगे, और जब हमने 15 को 3 से डिवाइड किया तो हमारे पास कितना आया, 5 आया, ठीक है? अब हमें यहाँ पे देखना हमारे कौन से ऐसे नंबर्स है जो दो नंबर्स जो किसी एक नंबर से डिविजिबल है, सो 5 से, तो 3 तो हमारा नहीं जा सकता 5 से, 3 को हम सेम लिखेंगे। 10 हमारा जाएगा तो हमारे पास कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है? और जब हम 5 को करेंगे तो वो हमारा 1 आएगा। अब यहाँ पे हमारे सारे ऐसे नंबर्स आ चुके हैं जो आप डिविजिबल डिवाइड नहीं हो सकते, तो हमें क्या देखना है, हम अब इसके लिखेंगे नंबर्स जो हमारे सारे के सारे डिवाइड होने के बाद आए हैं, ठीक है? अब यहाँ पे आते हैं, जब हम एलसीएम निकालेंगे तो हमने यहाँ से एरो डाली, तो यहाँ से नंबर्स दिखना शुरू करेंगे और उसको करेंगे, तो 2 times 2 और हमारा 3, 5, ठीक है? इस तरीके से हम अपने सारे नंबर्स लिखेंगे और हम इनको अरेंज करके मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। जैसे हमारा ये 2 हमने एक साथ लिख दिए, 3 3 को एक साथ लिख दिया, 8 multiply 9 multiply 5, 72 multiply 5, और ये हमारा आ गया 360। तो ये हमारा LCM है, तो हमें इस पे ध्यान, ये हमारा मेन होगा जब आएगा हम यहाँ पे, अगर वहाँ पे डिवीजन सही और अगर यहाँ पे कोई नंबर मिस हो गया तो फिर ये गलत हो सकता है, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। सो अभी हम उसका सेकंड क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखते हैं जो अभी हमने किया है, ठीक है? फाइंड द LCM ऑफ 30 and 75 बाय कॉमन डिवीजन मेथड। तो अभी हमने इससे पहले 3 digit वाला देखा था, हम 2 digit वाला देखेंगे, और इसमें अगर 4 digits भी होंगे तो वो भी इसी तरीके से होगा, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं, हम 30 और 70, 30 लिख के फिर कॉमा लगाएंगे, फिर हमें 75 लिखना है। कोई ऐसा नंबर यूज़ करना है जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर सकते हैं, कोई ऐसा प्राइम नंबर हम यहाँ पे लिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे अभी लिखा 5,
थ्री से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा थ्री, तो अगर यहाँ पे मैं करूँगी तो ये हो जाएगा 10, और जब इसको करूँगी तो ये हो जाएगा हमारा 25, ठीक है। अब इन दोनों नंबर्स को ऐसे नंबर से डिवाइड करना है जो डिवाइड करके हमारा पूरा पूरा चला जाए। तो यहाँ 5, 5 2 10, 5 5 25। अब इन दो नंबर्स को हमें डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, तो सेम हम वही वैसे ही करेंगे जो हमारे नंबर्स बच गए हैं। जैसे यहाँ पे 3, 5, 2, 5, सो एलसीएम हमारा कैसे निकलेगा, 3 × 5 × 2 × 5। तो अभी इनको मल्टीप्लाई किया तो 50, 10, और हमारा आंसर कितना आ गया, 150, ठीक है। तो आपको ये नंबर्स लिखते हुए भी ध्यान रखना है कि जब हमने वहाँ पे डिवीजन अच्छे से कर दिए तो वो नंबर्स कोई मिस नहीं होना चाहिए, ताकि हमारा आंसर जो है वो सही आए। सो अभी हम एक वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं हमारी एलसीएम से रिलेटेड। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 16, 20, 28, 40 एंड 77। हमें सबसे छोटा नंबर निकालना है जो इन चारों नंबर से बिल्कुल एग्जैक्टली इन चारों नंबर को डिवाइड कर दे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन चारों नंबर्स का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम हम जो है यहाँ पे कॉमन डिविजन मेथड यूज करेंगे, क्योंकि हमें चारों का एक साथ निकालना है, और ये मेथड जो है इससे आंसर जो हमारा वो बहुत जल्दी आ जाता है। सो मैंने चार नंबर्स यहाँ पे ऐसे लिखे हैं, ठीक है। हम यहाँ पे वो प्राइम नंबर यूज करेंगे जिससे कम से कम दो नंबर्स तो हमारे पूरे पूरे डिवाइड हो जाए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 2 यूज करूंगी, 2 से 8, 16 को किया तो 8, 28 को किया तो 14, 20, 77 तो नहीं जाएगा तो अभी हम उसको सेम रहने देंगे, ठीक है। ऐसे ही आगे मैं इसको दोबारा 2 से करूंगी, 2 4 8, 2 7 2 10, और यहाँ पे कितना आ गया हमारा, 7 आ गया। अगेन हम इसको डिवाइड करेंगे 2 2 2, जो डिवाइड नहीं हो रहा है, जैसे 7 नहीं हो रहा है अब, तो अब हम 7 को सेम रहने देंगे, 2 5, और ये भी नहीं हो रहा है, इसको भी सेम रहने देंगे। अब ऐसे कौन से दो नंबर थे जैसे हमारा 7 आ जाएगा, ये 2 हो गया, 7 का 1 हो गया, यहाँ 5, और यहाँ हमारा 11। अब तो हम किसी को डिवाइड नहीं कर सकते, तो हमारा ये फिनिश हो गया। सेम इसका वही प्रोसेस है जैसे हमने अपना एलसीएम निकाला था लोएस्ट नंबर निकालने के लिए, हम यहाँ पे वही लिखेंगे एलसीएम, और हमारे जो भी नंबर्स आए थे जैसे हमारे 3 × 2 उसको लिखेंगे 7, और नीचे की तरफ हमारा आया था 2, 5, 11, ठीक है। अब हम इन सब नंबर्स को आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इसको मल्टीप्लिकेशन हम बिल्कुल शॉर्ट ब्रेक करके भी, जैसे ये 8 हो गया, ठीक है, वो 55, 14, इस तरीके से मल्टीप्लाई करके अपना आंसर निकालेंगे। तो ये हमारा वो स्मॉलेस्ट नंबर है जो ये डिविजिबल है इन सभी नंबर से आसानी से। थैंक यू।